बीच में सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोन ठाकुर जी हैं और वो सेब के मुद्दे को लेकर के क्या है अगली रणनीति बागवानों की किसानों की उसके ऊपर ये संबोधित करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा सोन ठाकुर जी से कि आप सबसे संबोधित करें। ये मैं सोन ठाकुर माइक करो क्लोजर थोड़ा माइक अध्यक्ष सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। जो उत्पाद है इसमें इनपुट कॉस्ट जो है ना डे बाय डे बढ़ रही है, जो आपका पिछले 10 सालों से लेकर जो रेट है वो वही। दूसरा बहुत सारे जो है इसके ऊपर में जो नव उदारवाद की नीतियां आई है, जो आपका वर्ल्ड बैंक और IMF के तहत में जो करार हुए हैं, जो आपका इम्पोर्ट जो क्या नाम आपको उसके अंदर में पूरे जो आपका यहाँ पे टोटल 10 लाख का सेब अगर आप उगाते हैं तो उसके अंदर में जो कॉस्ट है इनपुट कॉस्ट जो होती है टोटल आपका कटिंग प्रूनिंग से लेकर आपका मार्केटिंग तक वो जो है ना 62-63% जो है वो खर्चा जो है ना उसमें तो लागत जो है ना उसके अंदर लगती है ना। जो मैं आपको बता रहा था फैलाई जा रही है वो भी जो आपकी नई खेती है उसमें भी जो है ना सरकार का कोई भी जो है ना वो सपोर्ट भी आप देख रहे हैं कि कार्टन के दाम बढ़े है ना, ट्रे के दाम बढ़े हैं। कार्टन और ट्रे के दाम अगर आप इसको पिछले साल से कंपैरिजन करो कि जो आपका 2020 में था, 20 में कार्टन जो है ना आपका 47-48 रुपये मिलता था। लास्ट ईयर जब बयान दे दिया कि आपका किसान मंच जो संयुक्त किसान मंच है सेब उत्पादक संघ भी उसका एक घटक सिर्फ उसी में होगा, ओपन मार्केट में कहीं भी जो है ना वो मतलब नहीं होना है, कम नहीं होना है। तो ये वैसा ही लॉलीपॉप है जैसा लॉलीपॉप लास्ट सीजन में आपका वन टाइम यूज रेगुलेशन का मालूम होगा। आपने देखा शोगी के अंदर एक बैरियल है वहां पे मार्केटिंग कमेटी का क्या मतलब है, मार्केटिंग उसका ये है कि जो यहाँ पे उसका एग्रीकल्चर लाइसेंस देता है, बिल्कुल लोगों को कंफ्यूज करते हैं ये लोग। और साथ में जब ये इसको रेगुलेट जबकि APMC करती है और अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे हटते हैं जब आप किसी सुविधा की बात करते हैं। जो ये शोगी का बैरियर के अंदर में है ये किसानों से जो है APMC जो है ना वो टैक्स, परंतु वो जो है ना सीधा किसानों से पिछले कई वर्षों से चाहे ए सरकार चाहे बी सरकार ये कई वर्षों से भाई है ना। और परंतु ढली मंडी जो आपने देखा है कि 2 सालों से वहां पे वो गिरा है जो ना उसका डैमेज हुआ है, तब से लेकर आज तक एक दूसरा जैसे आप अभी पराड़ा मंडिया हर जगह में खुले और भी आपकी शिलारू के अंदर मंडी है, आपका टापली के अंदर मंडी है और इसके अंदर रेगुलेट और क्या चीजें नहीं हो रही है कि आप ये देखेंगे कि किसानों से टापली के अंदर में 20 रुपए जो आपका मजदूर है उसकी पूरा जो है इनकम वहां से की जाती है लगाई जाए, जो लोगों के पैसे लेके जो है ना भाग जाते हैं वो जो है ना पूरी तरह से। और मैं इसके अंदर और उसके अंदर गोरखधंधा भी होता है, नहीं है तो आप जो है ना 500,000 रुपया दे दो बड़ी गाड़ी है तो वो भी जो है ना वो ये चलता है वहां पे, ये सारा धंधा जो है ना चलता है, किसान की लूट है। और वो जाके अगर मान लो उसको कहां पे मार्केट करना है, सोलन के अंदर मार्केट करना है तो कहना फिर भी वो टैक्स दे चुका है। अगर परमाणु के अंदर करना है विद इन स्टेट ही, कोई भी इस तरह की वसूली का परिस्थिति नहीं है, परंतु ये ड्यूटी है जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो भी 50% है और दूसरा अफगानिस्तान के रूट से आ रहा है, 8 मीट्रिक टन जो है ना वहां पर कुल उत्पादन होता है, उससे 8 गुना सेब जो है ना अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आ चुका है। और भी बहुत सारे अभी ट्रीटीज होने वाले, किसान जो है ना 1 एकड़ है ना, आधा एकड़ है, 5 बीघे है, 4 बीघे है और बहुत बड़ा किसान जो है यहाँ पे कम है वो, ये इसको कहा जाता है कृषक है, उसके अंदर बागवानी करता वो कृषि खेती है। परंतु जैसे 3 कृषि कानून थे, 3 कृषि कानून में जो है ना वो निगमीकरण करना चाहते थे खेती है, जिस स्तर पे जो है ना आपका जैसे कार्टन बढ़ा है, इसी के साथ साथ में आपकी दवाइयां हैं और खाद है और ये डबल लेवल पे जो है ना इसका रेट बढ़े डबल हुए हैं आपके खाद के, पोटाश की खाद है, कैल्शियम नाइट्रेट है। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट जो है ना वो हमारे राज्य कार्यकारिणी के मेंबर है श्री कुंडेरी जी है, ABC के सदस्य है, संदीप सोनू जी है, ये भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य है। संदीप सोनू जी नहीं आए थे तभी हम आप थोड़ा सा डिले कर रहे थे आपकी मीटिंग में। तो ये जो हम आप
25 तारीख को, जिसमें कश्मीर के लोग भी आएंगे, उत्तराखंड के लोग भी है, ये हमने तय किया। वो इसलिए किया